मांझ मांझ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप सब लोग, ठीक हो गए? तो ये आज एक पार्सल आया है, तो फिर इसको जाना खोलते हैं। मैंने स्पेशली ना अपनी मम्मा के लिए मंगवाया था, किचन के लिए है, किचन सोप मतलब बर्तन वॉश करने के लिए है कुछ, तो इसकी जो है हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। कुछ इस टाइप का ये खाली है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसी है जैसे मतलब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था और पिक्चर्स थी। मतलब देखो ये फॉर्मिंग वाला भी है, दो फॉर्मिंग वाले दो आ गए, मुझे वहाँ पे एक नज़र आया था लेकिन दो आ गए। और आगे से ये ब्रश है, इसको खोल के अभी बर्तन धो के भी दिखाऊंगी कैसे धोने वगैरह। वाह सॉफ्ट से ये एक है, ये उन्होंने दो दे दी एक क्लिप के साथ। और ये मज़े का सोप है, मतलब ये देखो यहाँ पे बटन है, इसको खोल के यहाँ पे प्रेस करो, ऐसे ऐसे प्रेस करो और यहाँ पे जो है ना वो आ जाता है, फिर ऐसे करके बर्तन वॉश कर लो। बहुत अच्छी मज़े की चीज़ है ये, मतलब इससे हैंड नहीं बोते। आगे सर्दियाँ भी आ रही है तो फिर मैंने कहा चलो हाथ भी नहीं खराब हो, यहाँ से ना सोप डाल के तो मज़े से बर्तन धो, मज़े की चीज़ है। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगवाई है स्पेशली, अभी जाके उनको दिखाती हूँ और पूछती हूँ। मैं धोंगी, मम्मा ही धोएंगी, और उनसे पूछते हैं कि उनको ये कैसा लगा, तो फिर चलते हैं। सो गाइस इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं और मैं मम्मा को देने लगी। अभी हमारे पास ना वो कौन सा सोप नहीं है, पहले ना मम्मा मतलब ये वाला यूज़ करती थी, मैंने बोला अब इसके लिए ना लिक्विड ज़रूरी होगा, तो मैंने अभी थोड़ा वैसे बनाया है, तो लिक्विड वाला जो है ना परचेज कर लेंगे। हाँ यहाँ से ऊपर करके खोलो इसको, हाँ ये सुराख है, इसमें डालेंगे लिक्विड गाइस ऐसे। चलो बस करो, बस इतना भी फुल ना कर दो। हाँ जी अब इसको टाइटली बंद कर दो, हो गया बंद, बाहर ना निकले बाहर, ठीक है। चलो इधर की कर रहे हैं, चलो किसी एक बर्तन पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। नया नया इसको थोड़ा पुश करना, हाँ पुश करो करो, डाउन करके डाउन करके, हाँ करो पुश करो। हाँ देखो आया ना, अभी देखो दोबारा करना एक मिनट, करो करो करो, गिरते हुए कतरे जरा कैप्चर करो। हाँ ये देखो गाइस आपको नजर आ रहा है कतरे गिर रहे हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना गिराते जाओ और इसको धोते जाओ। ये वाला लगता ही है, वो तो लग रहा ही लग रहा है आपको, क्योंकि बार बार ऐसे करना पड़ता है लाइक उसको जा जाके, वो तो नहीं करना पड़ेगा ना, तो इसमें उसको करना पड़ेगा बार बार पुश। चलो ये खास ही करना ना, इजी है एंड सर्दी में बार बार ये इस पतीले को साफ कर लो। मतलब वो पुरानी ट्रेडिशनल ही बस रवाज चल रहा है, वो कहती है बस उसे धो ही जा रहा है, धो ही जा रहा है भाई, इससे हाथ थोड़ी आपके खराब हो रहे हैं। दूसरा हाथ ये लग नहीं रहा, समझ नहीं रहे, काम लग रहा है दूसरा हाथ को थोड़ी ज्यादा लग रहा है, वो आप प्लस पहन के बस इसे करते जाओ। हाँ जी अम्मी जी, फिर कैसा लगा? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ब्रश, हाँ बर्तन धोने के लिए। फिर वही मेरी बात पुरानी है ना, क्या देसी हमारे हाथ ही जो हाथ काम करता है ना। अच्छा। वो कोई मशीन या कोई ब्रश नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जो बर्तन हाथ से साफ होते हैं ना, मांझ मांझ के वो इन ब्रशों से नहीं हो सकते, लेकिन फिर मांझ मांझ के जो हाथों उंगलियों का हाल हो जाता है, वो उंगलियों का तो हाल होता है पूरा, तो जैसे नए लोगों के लिए सही है, नई नस्ल के लिए ठीक है, हमारे जैसे पुराने लोगों के लिए तो वही सही है ना, स्टील की सुबी साथ कुची और रगड़ रगड़ के धोने हमने तो कितने ये जो न्यू इन्वेंशन की है, कितने इसको पॉइंट 10 में से रेटिंग? हाँ सही है, चाय या मसलन के सालन वाले बर्तनों के लिए, छोटे मोटे कटोरियों के लिए ठीक है, लेकिन पतीलियां तो नहीं ना इसे मांजी जाती, वो तो फिर सुबी से ही मांजी जाएगी ना। चाय के बर्तन कप तो ये प्लास्टिक का है नहीं, प्लेटों के लिए है, इससे भी नहीं होता ना, मैंने देखा है ये जले हुए चाय की पतीली को ये भी नहीं साफ करेगा, जले हुए को साफ नहीं करेगा, वैसे साफ कर देता ठीक है, ठीक है तुम
मसलन के ग्लास को प्लेटें और कपों के लिए ठीक है, 10/10 ही है, कोई मसला नहीं है। जली हुई पतीलियाँ तो फिर सुबह से साफ होंगी ना। चलो जी, कह दो फिर फी मान अल्लाह। चलो जी, फी मान अल्लाह।